नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस सीजीपीएससी मेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुशबू साहू। 28 फरवरी को डिस्कशन कम्युनिटी में सीजीपीएससी मेंस का जो पेपर नंबर 6 है उसका पार्ट 3 है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, सोशल एक्सपेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका एक टॉपिक हमने लिया था जनजातियों की विशेषताएं, उनका विकास और उनकी समस्याएं। इसके ऊपर हमने 6 प्रश्न आप सभी के समक्ष रखा था। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि इसका आंसर जो है वो कैसा होना चाहिए, किन किन प्रमुख बातों का आपको ध्यान रखना है इसका आंसर लिखते हुए। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें कि अनुसूचित जनजाति शब्द से क्या तात्पर्य है, व्हाट डज द वर्ड शेड्यूल ट्राइब मीन। तो देखिए, डिस्कशन कम्युनिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिखा है और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जो है वो अच्छा लिखा है, सही लिखा है। देखिए, आप जो भी स्टूडेंट जो है कंपटीशन कम्युनिटी में जो अपना आंसर पोस्ट करते हैं, जो हमारी कंसर्न फैकल्टी है वो सभी इन आंसरों को देखते हैं, लेकिन सब पे कमेंट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके आंसर में कुछ सुधार की आवश्यकता है, हम बिल्कुल वहाँ पर जाके आपके जो आंसर पे कमेंट करेंगे और जो भी सुधार की आवश्यकता है वो आपको वहाँ पर बताएंगे। और ऐसे स्टूडेंट जिनके आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिखे गए हैं, सही डायरेक्शन में लिखे गए हैं, हम उनका नाम जो है इस वीडियो पर संबोधित करेंगे ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी जाकर उनके आंसर को देख सकें। देखिए, हमारा डिस्कशन कम्युनिटी का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो आप लोगों का जो स्टूडेंट का समुदाय है, स्टूडेंट की जो कम्युनिटी है वो वहाँ पर जाके डिस्कस कर सके, इसलिए ही इसका नाम क्या रखा गया है, डिस्कशन कम्युनिटी। तो मैं ये आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं वो जाके आंसर देखें और वो भी वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आंसर पे कि ये जो पर्टिकुलर आंसर है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, किस में और किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है। आप बिल्कुल वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो और आप लोगों का जो आंसर हो वो बेहतर हो। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति, ये जो क्वेश्चन है ये इन्हीं दो शब्दों पे केंद्रित है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछा गया है कि अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं क्या है, किसके द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है, कहीं भी इस तरह के शब्द जो है वो इस सवाल में आपको नहीं दिख रहे हैं। तो आपको पूरा केंद्रित होना है किस पे, इन दो शब्दों पे। आपको सिर्फ इन्हीं दो शब्दों से आप क्या समझते हैं आपको ये बताना है। तो पहले आप किसे लेंगे, जनजाति को लेंगे। देखिए, जनजाति जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और जाति, मतलब कि मानव जाति का ऐसा समूह जो भूमि पर सबसे पहले आए और यहाँ के दुर्गम क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने लगे। आदि काल से पृथ्वी पर रहने की वजह से इन्हें क्या कहा गया, आदि मानव कहा गया। तो पहले आपने क्या किया, इस जनजाति शब्द को डिफाइन किया। उसके बाद आप बताएंगे कि अनुसूचित कब जोड़ा गया इनमें। तो जब इन जनजातियों को भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 में सूचीबद्ध किया गया तब इन्हें क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति। देखिए, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जब इन्हें आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 342 में सूचीबद्ध किया गया तब इन्हें क्या कहा गया, अनुसूचित जनजाति। तो इस प्रकार से पूरे शब्द पर केंद्रित होना चाहिए आपका जो आंसर है कि अनुसूचित जनजाति किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले जनजाति को आप एक्सप्लेन करेंगे कि जनजाति मतलब मानव जाति का ऐसा समूह जो भूमि पर सर्वप्रथम आए और यहाँ के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने लगे, लेकिन जब इन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में एनलिस्ट किया गया, सूचीबद्ध किया गया, तब इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया। इस शब्द से हमें यही समझ में आता है। देखिए, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो है एक प्रशासनिक और संवैधानिक अवधारणा है, एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपके पास स्पेस हो तो। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों में वृक्षों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रीज इन शेड्यूल ट्राइब। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर लिखा है, जिसमें सोनल यादव आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, लेकिन आपका जो आंसर का जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें आपने आर्थिक पक्ष को ज्यादा भार दिया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, तो सभी पहलुओं को आपको टच करना होगा। शिवांगी केसरवानी, आपने जो भी पिक्चर्स अपलोड किए हैं अपने आंसर के, वो पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं है, तो मुझे पढ़ने में कोई समस्या हो रही है तो मैं कहना चाहूंगी कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप जो भी पिक्चर अपलोड कर रहे हैं वो क्लियर दिखे। अजय सिंह परिहार,
आपकी राइटिंग जो है वो जब भी मैं उसे पढ़ती हूँ तो मुझे समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी राइटिंग स्किल के लिए, थोड़ा सुधार की आवश्यकता है आपकी राइटिंग में क्योंकि उसमें पढ़ने में थोड़ी दिक्कत जा रही है। ठीक है, तो आते हैं हम अपने आंसर पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितनी भी अनुसूचित जनजातियां हैं ये जंगलों में, वनों में, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। इनका जो संपूर्ण जीवन है वो वनों की गोद में गुजरता है। तो अलग अलग पक्ष में हम देखेंगे कि वृक्षों का महत्व इनके जीवन में कैसा है। तो धार्मिक पक्ष की बात करें तो इस जनजातियों का ऐसा मानना है कि जो वृक्ष है उनमें इनके देवी देवताओं का स्थान होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बैगा जनजाति का ऐसा मानना है कि साल वृक्ष में बूढ़ा देव निवास करते हैं, तो उराव जनजाति का ऐसा मानना है कि साल वृक्ष पे सरना देवी निवास करती है। ये वृक्षों को देवी देवताओं के समतुल्य मानते हैं। इनका ऐसा मानना है कि जो महुआ वृक्ष का तना है उससे शीतला माता बनती है, महुआ वृक्ष और बांस वृक्ष के तने से दंडेश्वरी माता बनती है। तो इस प्रकार से इनकी मान्यताएं ऐसी है कि देवी देवताओं का जो स्थान होता है वो कहाँ होता है, वृक्षों में होता है। ये कई वृक्षों को देवी देवताओं के समतुल्य मानते हैं। और ऐसा भी मान्यताएं हैं इनमें कि वृक्षों में ही इनका देवगुड़ी स्थल होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं धार्मिक और आर्थिक पक्ष में। तो इनके पेय पदार्थ पे हम आते हैं कि कौन सा पक्ष है धार्मिक और आर्थिक पक्ष। ये लोग वृक्षों के रस से अपना पेय पदार्थ बनाते हैं और जितने भी इनके संस्कार होते हैं या मांगलिक कार्य होते हैं इसमें ये क्या करते हैं, वृक्षों के रस को या फिर महुआ के शराब को अर्पित करते हैं। और जब तक ये ऐसा नहीं करते तब तक इनका जो संस्कार है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। और जो भी इनके पेय पदार्थ होते हैं इसका ये व्यवसाय के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके धार्मिक और आर्थिक पक्ष की बात करें तो जो भी वृक्षों का रस होता है उससे क्या बनाते हैं, अपना पेय पदार्थ बनाते हैं। आगे हम आर्थिक पक्ष को देखें तो जो भी इनका पारंपरिक कार्य होता है, चाहे कमार या उध जनजाति के द्वारा बांस शिल्प का कार्य देखें या फिर खैरवार जनजाति के द्वारा खैर वृक्ष के पत्ता जो लोग संकलन करते हैं उसकी बात करें, या फिर जो बैगा जनजाति के लोग औषधि निर्माण का कार्य करते हैं उसकी बात करें, तो जो भी इनके पारंपरिक कार्य होते हैं वो भी वृक्षों से रिलेटेड होते हैं। इनके जो जीविकोपार्जन होता है वो भी किससे, कहीं ना कहीं ऐसा एक पक्ष है जहाँ पर ये क्या करते हैं कि वनोपज का संग्रहण करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे पहलुओं को हम ध्यान में रखें तो हमको ये समझ में आता है कि वृक्षों का बहुत ही ज्यादा महत्व है इनके जीवन में। जो एक स्टूडेंट है वेद प्रकाश, उनका एक कमेंट था कि जो मैं यहाँ पर समझाती हूँ, जो एक्सप्लेन करती हूँ, उन सभी को 60 वर्ड्स में या इतने कम शब्दों में समाहित कर पाना मुश्किल है। तो हाँ बिल्कुल वेद प्रकाश, समाहित कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आप लोग को एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ जहाँ पर आप उसे 60 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, 175 वर्ड्स में या फिर 30 वर्ड्स में मोल्ड कर सके। ताकि जैसे कि अगर ये 30 वर्ड्स में पूछा गया तो आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर वहां पर लिख देना है जिससे आपकी बात बन जाए, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको 100 वर्ड्स में पूछा जाए तब भी आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं वहां पर और अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि 60 वर्ड्स का क्वेश्चन है और मैडम ने तो इतना कुछ बता दिया कि वो देवी देवताओं का स्थान होता है, वृक्ष जो होता है देवी देवताओं के समतुल्य मानते हैं, इनके पेय पदार्थ जो है वो वृक्षों से संबंधित है, इनके जो पारंपरिक कार्य होते हैं वो भी वृक्षों से संबंधित है, और जो इनके जीविकोपार्जन का साधन है वो वनों का संग्रहण करना है। तो देखिए आप 4 मार्क्स में 60 वर्ड्स में आप इतना ही लिख दीजिए ना, ये जितने भी मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं आपकी बात बन जाएगी। और अगर यही क्वेश्चन जो है आपको 100 वर्ड्स में पूछा गया या फिर 175 वर्ड्स में पूछा गया तो आप इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जाम्पल के साथ, तब भी आपकी बात बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने आंसर में किन किन पहलुओं को ध्यान में रखना और किन किन प्रमुख बिंदुओं को समाहित करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति समाज के धार्मिक विधि विधान की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिलीजियस रिचुअल्स ऑफ द शेड्यूल ट्राइबल सोसाइटी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अभिषेक पुरी ने अच्छा लिखा है, आप उनके आंसर को जाके वहां पर देख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है, धार्मिक विधि विधान को पूछना चाह रहा है
उसने कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया है कि इनके देवी देवता कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप वहां पर नहीं जाएंगे, इनके धर्म से संबंधित आप बात नहीं करेंगे, इनके देवी देवताओं से संबंधित आप बात नहीं करेंगे। आपको पूरा आंसर जो है किस पे केंद्रित करना है, उनके विधि विधान पे केंद्रित करना है। वो भी कैसा विधि विधान? धार्मिक विधि विधान। तो आपको अपने आंसर में ये बताना पड़ेगा कि जनजातीय समाज में धर्म के प्रति इनकी अनन्य आस्था है। इनमें बहुत सारी विधि विधान होती है, जैसे कि सबसे पहली बात हम करेंगे गोंगाबाद की। इनके जीवन में एक अदृश्य शक्ति के प्रति असीम श्रद्धा है, जिसे बोंगावाद कहा जाता है। ये पारलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ सुपरनेचुरल पावर है, जो क्या करती है, जो बुराइयों को खत्म करती है, अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वर्षा कराती है, जितनी भी आपदाएं होती है उनसे इनको सचेत कराती है, खतरों से सचेत कराती है। तो ये सारे काम ये कौन करता है? बोंगावाद करता है। ठीक है, ये लोग जो है वो आत्मा पुनर्जन्म तंत्र मंत्र जादू टोना पे विश्वास करते हैं। अब ये विधि विधान से कैसे संबंधित है? ऐसे संबंधित है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है इनके जीवन में तो ये क्या करते हैं, जो भी तंत्र मंत्र जादू टोना है उससे ही इसका निराकरण कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो बैगा के पास जाता है और अपना इलाज कराता है। तो इस प्रकार से इनके विधि विधान को बताना है आपको। फिर इनके समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आयाम है वो किसका है? निषेधात्मक का है, मतलब कि टैबू। टैबू क्या होता है? ये एक धार्मिक और व्यवहारिक निषेध होता है, रिलीजियस और प्रैक्टिकल प्रोहिबिशन होता है। इसमें क्या होता है कि इनकी बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसे ये क्या करते हैं, इनके समाज में बहुत ही कड़ाई से उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपको टैबू के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से आपको विधि विधान को बताना है। जैसे कि जब भी ये देवी देवता को पूजा करते हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? बलि देते हैं। जन्म संस्कार, मृतक संस्कार को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि इनके ये भी विधि विधान है जो धर्म से रिलेटेड है। क्योंकि जब किसी बच्चा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये क्या मानते हैं, इसे भगवान की देन मानते हैं। और जो पहला संस्कार होता है वो क्या होता है? नामकरण होता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर 60 वर्ड्स में लिख सकते हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है कि बोंगावाद और टैबू के बारे में आपको बताना है। इनमें आत्मा पुनर्जन्म तंत्र मंत्र जादू टोना होता है। कैसे इसके विधि विधान होते हैं? तो जब भी बीमारियों से इलाज करवाना होता है तो ये बैगा के पास जाते हैं। जो भी निराकरण करना होता है तो फिर ये, कोई भी समस्याओं का निराकरण करना होता है तो ये क्या करते हैं? तंत्र मंत्र करते हैं। तो आपको अपने आंसर में ये प्रमुख बिंदुओं को समाहित करना है, चाहे बात बोंगावाद की हो, चाहे टैबू की हो, चाहे आत्मा पुनर्जन्म तंत्र मंत्र जादू टोना की बात हो, चाहे फिर जब ये पूजा करते हैं किसी देवी देवता को, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करते हैं तो फिर वहां पर ये बलि देते हैं, इसकी बात हो। तो इस प्रकार से आपको अपने आंसर में 60 शब्दों में इन सभी प्रमुख बिंदुओं को समाहित करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातीय समाज आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, स्पष्ट करें। एक्सप्लेन शेड्यूल ट्राइब्स आर बैकवर्ड फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें 60 वर्ड्स में लिखना है। तो पहले आप ये बताएंगे कि जो जनजातीय समाज है ये दुर्गम वन और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, मतलब कि ये सभ्य समाज से दूरी बनाकर रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन पे शिक्षा का अभाव हुआ। शिक्षा के अभाव का कारण क्या है कि यहाँ पर दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने की वजह से यहाँ पर कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया गया इन्हें, और ये जिस बोली या भाषा में बात करते हैं उस बोली या भाषा में शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, शिक्षा अवेलेबल नहीं है उस बोली या भाषा में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। ये अपनी आय के लिए प्रमुख रूप से प्रकृति पर निर्भर है। ये मछली पालन का कार्य करते हैं, शहद एकत्रित करते हैं, वनोपज संग्रहण करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, कहीं कहीं जनजातियां मजदूरी करती है, और जो इनके पारंपरिक कार्य होते हैं जैसे कि बांस शिल्प, कास्ट शिल्प, मिट्टी शिल्प, ये सारे कार्य करके ये क्या करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने जीवन यापन के लिए जितने धन की ज़रूरत है इनको, ये उतना ही धन कमाते हैं, ये संतुष्ट हैं, इनमें धन कमाने की चाह नहीं है। और ऐसी जनजातियाँ जो धन कमा रही है या वो बहुत ही कम रूप से हम देखते हैं, तो वो भी उस असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है जिनके आय की गणना नहीं की जाती।
तो इस प्रकार से विभिन्न कारणों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो जनजातीय समाज है वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है। तो आपको 60 शब्दों में इसका आंसर ऐसे लिखना है, आपको बताना है कि ये संतुष्ट हैं, ये धन संचय नहीं करते, सिर्फ धन कमाते हैं, वो भी उतना ही कमाते हैं जितना इनके जीवन यापन के लिए ज़रूरी है। आपको ये बताना है और इस प्रकार से अपने आंसर को 60 वर्ड्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति समाज की सामाजिक विशेषताएं बताइए, स्टेट द सोशल फीचर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 100 शब्दों में लिखना है। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या पूछ रहा है, ये सामाजिक विशेषताएं पूछ रहा है, सोशल फीचर्स पूछ रहा है, ना कि आर्थिक विशेषताएँ, सांस्कृतिक विशेषताएं या धार्मिक विशेषताएं। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन में जो भी कंटेंट लिखने वाले हैं वो केवल और केवल सामाजिक विशेषताओं पर केंद्रित होना चाहिए, पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बाकी सब कुछ आपको आता है, वो बस ये पूछना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं कि ये सामाजिक विशेषताएँ होती कौन कौन सी है और इनमें कौन कौन सी है। तो आपको ये अपने क्वेश्चन के आंसर में पूरा जो टॉपिक है, जो पूरा क्वेश्चन दिया गया उस पर केंद्रित होके आपको जवाब लिखना है, आंसर लिखना है, और वो आंसर किस पे केंद्रित होना चाहिए, सामाजिक विशेषताओं पे होना चाहिए। तो आपको ऐसे लिखना है कि जो जनजातीय समाज की सामाजिक विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कि उनका एक विशेष नाम होता है, उनकी विशेष संस्कृति होती है और उनकी विशेष बोली या भाषा होती है। विशेष नाम मतलब जैसे कि हर एक ग्रुप का अलग अलग नाम होता है, बैगा, अबू झमाड़िया, उराव, ये सब क्या है, इनके समूहों का, इनके समुदाय का अलग अलग नाम है, और इन सभी अलग अलग जनजातियों की अपनी अपनी संस्कृति होती है और इनकी अलग अलग बोलियाँ भाषा होती है उनके रहवास के आधार पर। ठीक, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि इनमें भौगोलिक अलगाव देखा जाता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन देखा जाता है इनमें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सभ्य समाज से दूरी बनाकर रहती है, और इनमें सुरक्षात्मक संगठन क्षमता होती है, ये अपने एरिया में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं देते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो उसे वो एंटर करने नहीं देते हैं जनरली, तो इनमें क्या होता है, सुरक्षात्मक संगठन क्षमता होता है, स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता है। इसका मतलब ये है कि इनका जो समुदाय होता है उनमें बुजुर्गों की समिति होती है, पंचायत होता है, मतलब कि इनका जो राजनैतिक संगठन है वो अलग ही होता है, किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए या न्याय करने के लिए इनका खुद का एक अलग से संगठन होता है और वही न्याय होता है। तो इस प्रकार से इनमें पंचायत देखा जाता है, बुजुर्गों की समिति देखी जाती है, समाज का संगठन जो है वो प्रजातांत्रिक समानता और परस्पर सह अस्तित्व पर आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी उस समुदाय में हेड चुना जाता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, इनमें समानता की भावना होती है, ये कभी भी किसी को ऊपर या कभी किसी को नीचे नहीं समझते, ये एक दूसरे का हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक, पितृवंशात्मक और पितृनिवास स्थान होता है। इसका मतलब ये है कि पिता की सत्ता होती है, पिता का वंशक्रम आगे बढ़ता है और पिता के घर में निवास करते हैं, लेकिन स्त्रियों को भी समान अधिकार और प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त है इनके समाज में। इनमें अंतर्विवाही गोत्र समूह होता है, इसका मतलब ये है कि इनका जो समाज है वो अंतर्विवाही गोत्र समूह में विभाजित होता है, जिसके अपने अपने गढ़चिन्ह होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, टोटम कहा जाता है। गोत्र क्या होता है, गोत्र उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनका जो वंश है वो एक मूल पुरुष पूर्वज से अटूट क्रम में जुड़ा होता है, इसलिए एक ही गोत्र में आने वाले जो भी लोग होते हैं उनको भाई बहन माना जाता है और उनके मध्य विवाह नहीं होता। अब जब विवाह की बात की जाए तो इनमें बहुत सारे विवाह देखने के लिए मिलते हैं, एक विवाह, बहुविवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह, इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के विवाह होते हैं जिनका एक विस्तृत आधार होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनमें पायसोतुर, हट विवाह, विनिमय विवाह, क्रय विवाह, इस प्रकार से बहुत सारे विवाह जो हैं इनके समाज में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके समाज की विशेषताओं को 100 शब्दों में लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर अनर बघेल ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, तो आप उसका आंसर जाके देख सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि अभिषेक पुरी, आपने इस क्वेश्चन के आंसर में एक फ्लो चार्ट बनाया है, तो देखिए आपके पास स्पेस कम है, शब्द सीमा निर्धारित की गई है 100 शब्द और आपको लिखना बहुत कुछ है, तो जिस 3 लाइन में आपने उस फ्लो चार्ट को बनाया
उस फ्लो चार्ट को अगर आप नहीं बनाते तो उतना ही कंटेंट आप एक लाइन में लिख सकते थे। तो आप फ्लो चार्ट का उपयोग वहां करें जहां पर आपके पास एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन उतना स्पेस नहीं है आपके पास, तब आप फ्लो चार्ट का उपयोग करें, ना कि तब जब आप उस कंटेंट को कम स्पेस में भी लिख सकते हो लेकिन फिर भी आप यदि फ्लो चार्ट बना रहे हो इसका मतलब वो ज्यादा स्पेस घेरेगा ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जहां पर फ्लो चार्ट की नीड है वहां पर आप फ्लो चार्ट बनाइए। यहां पर आपको 100 शब्दों में लिखना है तो अगर आप कंटेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे, पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म हो सकता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के महत्व को समझाइए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 175 वर्ड्स में आपको लिखना है, मतलब कि भरपूर स्पेस है आपके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जाएंगे तो पहले सोचिएगा कि अगर छत्तीसगढ़ में ये जनजातियाँ नहीं होती तो छत्तीसगढ़ की पहचान कैसी होती, छत्तीसगढ़ कैसा होता। तो आपको बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे जो आपको इस आंसर में समाहित करना है, ठीक है। तो पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर जो स्टार्ट है, प्रारंभ है, उसे आप ऐसे कीजिएगा, बताइएगा कि छत्तीसगढ़ जो है वो जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ जो टोटल एरिया है छत्तीसगढ़ का कितना है, 135192। इसके 44.2% एरिया में क्या है, वन है, और लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो है वो किसकी है, जनजातियों की है। कितनी है, 30.62। तो पहले आप ये बताइएगा कि ये जो पूरा एरिया है छत्तीसगढ़ का उसमें लगभग आधा जो एरिया है वो वनों से आच्छादित है और लगभग एक तिहाई जनसंख्या जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी की है। ये दोनों एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं, फिर आप ये बताइएगा कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनजातियों के जीवन में वनों की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। ये दुर्गम वन क्षेत्रों में निवास करते हैं, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनका जो जीवन है, चाहे हम आर्थिक रूप से देखें, धार्मिक रूप से देखें, सामाजिक रूप से देखें या सांस्कृतिक रूप से देखें, उसमें वृक्षों का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में डील कर चुके हैं, बिना वृक्षों के इनके अस्तित्व की कल्पना करना जो है वो असंभव है। ये वनों के संरक्षक होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि कोई विद्रोह हुआ था 1859 ईस्वी में, जहाँ पर क्या हुआ था कि जब अंग्रेज यहाँ पर के जो साल वृक्ष हैं उसे काट रहे थे तो इसके खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया था और नारा दिया था कि एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सर। तो आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि ये वनों के संरक्षक होते हैं, इनकी भावनाएँ जुड़ी हैं इनसे। उसके बाद आप अलग अलग दृष्टिकोण से इनके महत्व को बताइएगा। तो पहला महत्व आपको क्या समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में जो वन आच्छादित एरिया है कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से ये उनकी रक्षा कर रही है, वनों के संरक्षक होते हैं। तो पहला महत्व, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें महत्व को आप इस फ्लो चार्ट के जरिए या फिर अलग अलग बिंदुओं के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि सामाजिक महत्व, आप बता सकते हैं कि इनके समाज की विशेषताएँ क्या क्या हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डील किया, और आप ये भी बता सकते हैं कि किस प्रकार से इनका जो समाज है वो हमारे समाज से अलग है, ये सामाजिक रूप से विकसित हैं और इनके समाज को हम एक बेंचमार्क के रूप में ले सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनका समाज हमारे लिए प्रेरणादायी है। तो इस प्रकार से आप इनके सामाजिक महत्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकी सामाजिक विशेषताओं को मैं यहाँ पर फिर से डील नहीं कर रही हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों को बताया था इनकी सामाजिक विशेषताएँ क्या क्या होती है। फिर हम इनके सांस्कृतिक महत्व को देखते हैं, तो आज भी ये अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखे हुए हैं, चाहे फिर घोटुल की बात की जाए या कर्मा डांस की बात की जाए या पंडवानी की बात की जाए, विभिन्न पर्व त्योहारों, नृत्य गीत, जो लोक गाथाएं होती उनकी बात करें, तो ये अपने संस्कृति को आज भी जीवंत बनाए रखे हैं। बस्तर का दशहरा, आप बस्तर के दशहरे में बता सकते हैं कि दशहरे के टाइम पे जहाँ पर हमारे यहाँ रावण वध होता है वहाँ पर इनके यहाँ क्या होता है, महिषासुर मर्दिनी की पूजा की जाती है। ये पूरे राज्य का नहीं, देश का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक ऐसा अनोखा पर्व है जो सबसे लंबी अवधि तक जिसे मनाया जाता है। अब बस्तर के दशहरे के बारे में चर्चा कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि इनकी जो संस्कृति है आज वो पूरे देश विदेश में एक अलग ही पहचान बनाई रखी हुई है, विशिष्ट पहचान बनाई रखी हुई है, और इसी पहचान को एक अलग आयाम देने के लिए, इसे विकसित करने के लिए, लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए हमारे सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही है। अभी दिसंबर में 27 से लेकर 29 दिसंबर तक
राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था रायपुर के साइंस कॉलेज में, जहां पर 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ 6 देशों के 1350 लोगों ने यहां पर अपनी सहभागिता दिखाई थी और अपनी नृत्य संस्कृति का क्या किया था, परचम लहराया था। तो इस प्रकार से आप इनकी सांस्कृतिक महत्व को बता सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है इनकी संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी संस्कृति ने हमारे छत्तीसगढ़ को क्या दिलाया है, पहचान दिलाया है। तो इस प्रकार से आप इसके सांस्कृतिक महत्व को बता सकते हैं। फिर हम धार्मिक पक्ष पे आएंगे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनके जो धार्मिक विधि विधान होते हैं वो बाकियों से अलग होते हैं, ये अपने धार्मिक विधि विधान का कठोरता से पालन करते हैं, इनकी बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं होती है जो इनके समाज को संगठित करने में कहीं ना कहीं सहायता देती है। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं आर्थिक महत्व पे, तो जैसे कि आपको पता है कि ये लोग जो है अपने जीवन यापन के लिए वनोपज का संग्रहण करते हैं, इनकी जो शिल्पकारी होती है, इनका जो पारंपरिक कार्य होता है, चाहे मिट्टी शिल्प की बात करें, बांस शिल्प की बात करें, काष्ठ शिल्प की बात करें, धातु शिल्प की बात करें, कंघी शिल्प की बात करें, तो जितनी भी इनकी शिल्पकारी होती है वो अद्वितीय है। इवन केवल देश में नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाए रखी है और इनकी शिल्पकारी इतनी ज़्यादा फाइन होती है जो देखते ही बनती है। तो इस प्रकार से आप इनके आर्थिक महत्व को बता सकते हैं, चाहे आप तेंदुपत्ता संग्रहण की बात करें या फिर इनके क्षेत्रों में मिलने वाले पेय पदार्थों की बात करें, ये सब कुछ बहुत ही स्पेशल और अलग है जिसे बाहरी देश के लोग जो हैं वो देखने भी आते हैं और पेय पदार्थों की बात करें तो इसके स्वाद को चखने भी आते हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग पहलुओं में इनके महत्व को बता सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ नहीं होती तो क्या होता। अगर आप ये सवाल अपने मन में बार बार लेके आएंगे तो इनके इम्पोर्टेंस आपको अपने आप से ही खुद से ही समझ में आ जाएंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो आप इस बात को ध्यान में रख कर लिखें कि आपको इनकी विशेषताएँ नहीं बतानी हैं, इनका जीवन कैसा है आपको ये भी नहीं बताना है, इनकी संस्कृति कैसी है आपको ये भी नहीं बताना है। आपको क्या बताना है कि छत्तीसगढ़ में इनकी जो भी इनका जो भी समाज है, इनकी संस्कृति है, वो कैसे किस प्रकार से इम्पोर्टेंस रखती है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर उसका आंसर लिखिए, क्योंकि ये जो पेपर है ना, इसमें आपको अपने ज्ञान का परिचय नहीं देना है, आपको अपनी समझ का परिचय देना है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को समझिए और वो क्या पूछना चाह रहा है उसके हिसाब से उसका उत्तर लिखिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें छत्तीसगढ़ की जनजातियों से संबंधित और भी क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो विशेष पिछड़ी जनजातियों के ऊपर होगा। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।